और अब बात बीजेपी के पोस्टर वॉर की। जी हाँ, लोकसभा चुनाव से पहले पोस्टर वॉर जारी है। बीजेपी पोस्टर के जरिए कांग्रेस प्रत्याशियों पर हमला बोल रही है। पार्टी रोज एक पोस्टर जारी कर रही है। भूपेश बघेल, शिव डहरिया के बाद अब बीजेपी ने ज्योत्सना महंत का भी पोस्टर जारी किया। पोस्टर में ज्योत्सना महंत को लापता बताया गया। इसके पहले बीजेपी ने पोस्टर जारी कर शिव डहरिया पर जमीन पर कब्जे का आरोप लगाया था, तो भूपेश बघेल के पोस्टर में जेहादी गिरोह का झंडा दिखाया गया था। ये तीन पोस्टर आप देख सकते हैं। हाल ही में ज्योत्सना महंत को लेकर बीजेपी ने पोस्टर जारी किया, इससे पहले शिव डहरिया और उससे पहले भूपेश बघेल का पोस्टर जारी किया। तो अब लोकसभा चुनाव से पहले पोस्टर वार देखा जा रहा है और पोस्टर वार में पोस्टर बीजेपी की तरफ से जारी की गई है और साथ ही ज्योत्सना महंत पर निशाना साधा गया।